बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है, इसे मजबूत बनाने में एक कदम बढ़ाएं। ज्वाइन के बटन पर जाकर एक कदम भीम मिशन की ओर को ज्वाइन करें। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे बड़ी जानकारी और एक सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं। साथियों, दलित समाज के युवक को जो कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना पड़ गया है भारी, और हम आपको पूरी खबर पूरी मैटर विस्तार से समझाएंगे। हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस वीडियो को हर बहुजन समाज के व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप इस वीडियो में आखिरी तक अवश्य बने रहें जिससे कि आपको पूरा मैटर समझ में आ सके। साथियों, वीडियो शुरू करने से और हम आपको पीड़ित की जुबानी भी सुनवाएंगे, आखिर उसके साथ क्या कुछ हुआ है और उस पीड़ित के अंदरूनी चोटें भी आई हैं, हम आपको उस पीड़ित की जुबानी खुद उसके मुँह से सुनवाएंगे। उससे पहले हम आपको पूरा मैटर समझाते हैं। साथियों, यह मामला है मध्य प्रदेश के जिले शाजापुर के अकोदिया थाना अंतर्गत ग्राम फूलेन का। साथियों, यह मामला है वहाँ पर, जो कि एक दलित समाज का युवा है। दलित समाज के युवा का साफ साफ कहना है कि जो कि वो अपने खेतों पर टहल कर आ रहा था और वो थका हारा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, और साथियों आगे जो कुछ भी उसने बोला है हम आपको खुद उसकी जुबानी सुनवाते हैं। उससे पहले आप एफआईआर की कॉपी भी देख सकते हो, उसने एफआईआर भी करा दी है थाने में जाकर। तो साथियों सुनिए उस दलित समाज के युवक की जवानी, आकर उसके साथ क्या कुछ हुआ है। अभी आप जो थाने पर आए किस कारण से आए? मैं अपने खेत पे गया था, वो उधर हम घूमने गए थे, मैं इंदौर से आया हूँ यहाँ पे अपने गाँव में जी। अभी फसल आई है मेरी यहाँ सोयाबीन की। हाँ जी, ये देखने गया था सुबह से, उधर से मैं अपनी सोयाबीन देख के आ रहा था, तो उधर से मैं एक मंदिर पे बैठा था, तो वो मंदिर के साइड में एक खेत था, वो खेत वाला आया और वो पूछने लगा, बोलते यहाँ किसके परिवार से तुम? तो मैंने बोला चौकीदार के परिवार से हूँ मैं जी। तो उसने अशुद्ध गाली से मेरे को बहुत मारा और बहुत उसने अशुद्ध गाली बहुत बकी, और नीच जाति के उसने नीच जाति बोला, तुम ऐसे बोलते तुम नीच जाति हो, तुम मेरी हम गुलामी करते हो और गुलामी करते जब हाँ। तो अभी जैसा आपको पीटा है तो कुछ निशान भी होंगे आपके पास? निशान है ना मेरे ये पीट के, बताइए। साथियों, आपने दलित समाज के युवक की जवानी सुनी, आपने सुनी और आप अब ये बताइए कि आखिर इस दलित समाज के युवक को क्या हक नहीं है वहाँ पर बैठने का? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय अवश्य दीजिए, और हमारा आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमने साथियों दलित समाज के युवक की आपको पूरी वीडियो इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसकी अंदरूनी चोटें आई हैं और ये गाइडलाइंस के खिलाफ है यूट्यूब के, इसीलिए हम आपको पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। अगर कोई जैसे कि इसीलिए हमने आपको ये पूरा वीडियो नहीं दिखाया, और आप समझ ही गए होंगे उस दलित समाज के युवक का साफ साफ कहना है कि मुझे बहुत ही गलत तरीके से पीटा गया है, दो युवकों ने आकर उस युवक को पीटा है। तो साथियों आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस चैनल का साफ सीधा उद्देश्य गरीब दलित शोषित वंचितों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ उठाना, और हम उठाते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दो घंटी को बस दबाएँ। जब तक के लिए जय भीम जय भारत।